हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो आज आपके लिए लाए हैं एक डिलिशियस स्वीट रेसिपी। जल्दी से रेसिपी देख लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले रेसिपी देखते हैं। सो गाइज, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका सूजी। तो यहाँ हमने 2 चम्मच सूजी लिया हुआ है, 2 चम्मच चीनी लिया है, 1 चम्मच हमने घर का ही देसी घी लिया है, 1/2 कटोरी हमने पानी लिया है, और इसी कटोरी के साइज़ का 2 कटोरी हमने दूध लिया है। ये रेगुलर दूध है जो आप घर में यूज़ करते हो। और 2 काजू और 2 बादाम को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे पीस लिया है, और वो हमने यहाँ पे लिया जो हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो गैस, ये हमने ले लिया पैन जिसको हमने गर्म कर लिया। उसके बाद हमने अपना 1 चम्मच घी यहाँ पे डाल दिया। अगेन प्रेफर करें, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कि घर का ही घी बच्चों के लिए यूज़ करें, वो बेस्ट रहता है। उसके बाद हल्का सा पैन को हमने बिल्कुल घी स्प्रेड कर लिया उसमें। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। क्वांटिटी सूजी की बहुत कम है, इससे मतलब बच्चे के हिसाब से सही क्वांटिटी बन जाता है, बट आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे सूजी को भून लेना है, और भुनने के लिए हमने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं कर रहे हैं हम, तो इसको पहले भून लेते हैं। तो गैस, अब हमारी सूजी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया, एक बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आनी शुरू हो जाती है। 5 to 6 मिनट्स का प्रोसेस है ये, जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली सूजी को चलाते रहना है ताकि वो नीचे नहीं लगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो हमने 1/2 कटोरी पानी लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो क्या होता है कि पानी डालने से ये सूजी और सॉफ्ट हो जाती है, तो बच्चे के लिए खाने के लिए और भी ईजी हो जाती है। तो आप यहाँ पे पानी डालो, उसके बाद आप इसे फिर से स्टर करते रहो। तो ये प्रोसेस अब हम थोड़ा सा करेंगे। तो गाइज़, आप देख सकते हो कि सूजी जो है वो पानी में मिल गई है। आप इसे स्टर करते रहिए। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट तक हम ये प्रोसेस करेंगे। गैस का फ्लेम अभी भी लो फ्लेम ही है। तो इस स्टेज पे अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट के बाद हम अगला स्टेप करेंगे, जो कि है दूध डालना। तो हम यहाँ पे दूध डालेंगे। आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो, काऊ मिल्क, बफलो मिल्क, जो भी आप बेसिकली बच्चों को दे रहे हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और फिर से अब हम इसे स्टर करेंगे। तो दूध को अभी हमने रखा है हाई फ्लेम पे। जब एक बार बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम 3 से 4 मिनट उसे लो फ्लेम पे भी रखेंगे। बीच बीच में आप इसे स्टर करते रहिए। तो ये देखिए, हाई फ्लेम पे अब बॉयल आ गया है। तो अब हमने फ्लेम को लो करा, और इसके बाद भी हम अभी इसको 3 से 4 मिनट और करते रहेंगे। थोड़ा सा इसे गाढ़ा करना है बेसिकली हमें, तो 3-4 मिनट्स आप और इसे बनाते रहिए। तो आप देख सकते हो अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम चीनी ऐड कर रहे हैं इसमें। गाइज, आप चाहें तो आप इसमें जैगरी यानी गुड़ भी ऐड कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। और उसके बाद हम फिर से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम फिर से इसमें बॉयल लाएंगे। तो गाइज, बस अब हमारा जो सूजी की खीर है वो रेडी हो चुकी है। एंड आप देख सकते हो कि सूजी क्लियरली दिख रहा है। ये कंसिस्टेंसी ठीक है, क्योंकि एकदम गरम हम बच्चे को देंगे नहीं, उसको थोड़ा ठंडा होने पे ही देंगे। और जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होता है ये गाढ़ा होता जाता है। तो आप इतनी कंसिस्टेंसी रखो, बाकी थोड़ा गाढ़ा ये हो ही जाएगा। तो गाइज़, ये देखिए 2 कटोरी हमारी सूजी की खीर बन गई है, इतनी क्वांटिटी से आराम से। तो 1 कटोरी तो आप नॉर्मल सर्व के लिए रख सकते हो, अगर आपके बच्चों को ऐसा खाना पसंद है। और दूसरी कटोरी हम डाल देते हैं कि जिन बच्चों को गार्निश करके खाना पसंद है। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम डाल दिया। आप चाहो तो आप इसमें छोटी सी किशमिश को भी काट काट के छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल सकते हो, अगर आपके बच्चे पाउडर फॉर्म में खाते हैं। बेसिकली ये जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू है ये और बढ़ जाता है। और ये वाला जो खीर है ये अभी बिल्कुल सिंपल सा खीर है, तो आप जो चाहे अपनी चॉइस के हिसाब से दे सकते हो। तो गाइज, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो कभी कभी आपके पास टाइम नहीं है तो एज अ क्विक हिट आप ये रेसिपी बना के बच्चों को दे सकते हो। दूसरा, ये स्वीट है तो जनरली सब बच्चों को अच्छा लगता ही है, और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप चाहो तो आप इसमें शुगर नहीं डालो, आप चाहो तो शुगर को रिप्लेस करके जैगरी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। आप इसमें किशमिश डाल सकते हो, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हो, जिस तरीके से भी आप इसे बनाना चाहो आप वो कर सकते हो।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि सूजी बहुत लाइट होता है, तो कभी भी जब ऐसे दिन होते हैं जब बच्चा यू नो ठीक फील नहीं कर रहा है, फीवर का टाइम है, कोल्ड कफ का टाइम है, जब डॉक्टर ज्यादा बोलते हैं कि लिक्विड डाइट दो, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है बच्चे को, तो आप सूजी का ये बना के दो, एकदम लाइट होता है तो बच्चे को स्वॉलो करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, और क्योंकि इतना लाइट होता है कि डाइजेस्ट भी बहुत आराम से हो जाता है, बॉडी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो दैट वे इज मतलब इट्स अ वेरी गुड रेसिपी टू नो एंड टू कीप हैंडी इन टाइम्स वेर यू जस्ट वॉन्ट द चाइल्ड टू फील जस्ट लाइट, जस्ट ईजी, कंफर्टेबल। सो ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैं पीछे कभी की जब तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने ये उसको बहुत ज्यादा खिलाया और उसे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा सबके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वेरी सून।